फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की सब्जी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 आलू लिए हैं और ये कम से कम आधी किलो बैंगन होंगे। तो अगर आपको एक मतलब अच्छा टेस्ट चाहिए तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप यहाँ पे बैंगन की क्वांटिटी ज़्यादा रखें और आलू की क्वांटिटी उससे थोड़ा कम। बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 टमाटो लिए हैं, ग्रीन चिली, और ये हमारे गार्लिक है, ये अनियन है। तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा अपने बेसिक ही मसाले यूज़ करती हूँ और इससे भी बहुत अच्छा खाना मतलब टेस्ट आता है। ईजीली जो घर पर सामान होता है उससे भी बहुत टेस्टी खाना बना सकते हैं। अब हम इसको एकदम फाइन मतलब पीस लेंगे मिक्सी। यहाँ पे ये बिल्कुल फाइन मसाले में पीस लिया है। तो अब हम अपनी रेसिपी यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आधी टेबल स्पून जीरा डालूंगी। जीरा होने के बाद हम अपने आलू डालेंगे। तो आलू को हमें अच्छे से इसमें थोड़ी देर फ्राई करना है। तो 2 मिनट तक हमारे जो आलू है वो अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें अपने बैंगन डालूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डालूंगी और ये 1/2 चम्मच हल्दी। अब हमको फ्रेंड्स इनको अच्छे से भून लेना है दोनों को, जो हमारे मतलब हल्दी का कलर है वो अच्छे से आ जाए और इसमें जो नमक है इसके अंदर तक इसमें फ्लेवर जाए। तो आपको हाई फ्लेम करके बस 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मतलब भून लेना है। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट के लिए मैंने अपने जो मतलब आलू बैंगन थे उनको मैंने भून लिया। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे मसाला जो हमने पीसा था, और इसके साथ ही मैं अपने घर के जो मसालों थे वो डालूंगी। मैं यहाँ पे 1 टेबल लाल मिर्च और 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर अच्छे से चला देंगे। तो यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ और अब मैं इसको अच्छे से चला के इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लूंगी। तो फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मसाला मतलब थोड़ा बहुत भुन गया है। तो हम एक बार देख लेते हैं। अभी इसको 10 से 15 मिनट और लगेगी क्योंकि हमारे आलू अभी अच्छे से गले नहीं है। तो मैं इसको 10 से 15 मिनट और तो 10 से 15 मिनट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी अच्छे से भुन गई है और हमारे आलू भी अच्छे से गल चुके हैं क्योंकि ये इजीली टूट। तो हमारे आलू बैंगन की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए।